हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो आइसोमेरेज, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरेज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे एनांसियोमर क्या होता है, डायस्टियोमर्स क्या होते हैं, मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, रैस्मिक मिक्सचर क्या होता है, और साथ साथ ये भी मेंशन किया था कि किस तरीके से एनांसियोमर को सेपरेट आउट किया जा सकता था। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर के डिस्कशन का पार्ट था। इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं ऐसे कंपाउंड जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी तो शो करते हैं, लेकिन उनके पास कायरल सेंटर या कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, उसके बावजूद भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। बिकॉज मैंने पहले भी मेंशन किया गया है प्रीवियस लेक्चर में भी कि प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन या कायरल सेंटर बोल दो, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन डज नॉट गारंटी अबाउट द कायरलिटी यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल। उसके लिए आपको क्या देखना होगा, उसके लिए आपको देखना होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर डी सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होने के बाद ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि दैट मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये बात समझ में आता है। तो ऐसे ही कुछ सिस्टम हम लोग वन बाय वन डिस्कशन में रखने जा रहे हैं। देखते हैं पहला केस, इसमें आता है ऑप्टिकल आइसोमेरेज इन एलीन। एलीन का केस हम लोग का आता है, वेल फेमस ये केस है, पहले भी डिस्कशन का पार्ट बना था जब हम लोग डिजिमेट्रिकल आइसोमेरेज डिस्कस कर रहे थे। यहां पे भी वही सिस्टम आने जा रहा है, बट थोड़ा सा विद सम मॉडिफिकेशन के साथ में। बात करते हैं वन बाय वन सिस्टम। एलीन तो आपको पता होगा, व्हाट इज एलीन, हम लोग बोलते हैं कि जो है कंपाउंड जिसके अंदर क्यूमुलेटेड पाई बॉन्ड प्रेजेंट, क्यूमुलेटेड पाई बॉन्ड, ठीक है, क्यूमुलेटेड पाई बॉन्ड मिस एक के बाद एक डबल बॉन्ड हो जाए, जस्ट एडजेसेंट पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको बोला जाएगा क्यूमुलेटेड पाई बॉन्ड। तो ये एलीन के केस में हम लोग देखते हैं उस तरीके का सिस्टम कैसे होता है। तो पहले भी मेंशन किया गया था कि अगर एलीन लिया जाए, एलीन विथ ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो जी आई ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के साथ जी आई नहीं ऑब्जर्व कर सकते, और वहां पर कंडीशन ये आया था कि एटम एक प्लेन में नहीं लाइज करेंगे। तो वही कंडीशन थोड़ा सा चेक करते हैं हम लोग कि अगर इसकी बात करें कार्बन विथ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मीन्स एलीन विथ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देखिए केस क्या कंडीशन निकल के आया था कि ये जो एटम होंगे इसके साथ जुड़े हुए, मान लो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूं, हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में, हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इधर, मैं इस बोर्ड के प्लेन में इस एटम को ड्रॉ किया, लेकिन जो ये एटम्स होंगे ना इसके साथ जो अटैच्ड एटम होंगे, ये क्या होगा इस केस में, इस केस में आप देखोगे कि ये बोर्ड के प्लेन में नहीं लाइज करेंगे। पहले भी मेंशन किया गया था, ऐसा क्यों होगा, तो यहां बोला गया था कि अगर आप एज्यूम करें कि ये एक्स वाई प्लेन में है, दिस थ्री एटम अगर एक्स वाई प्लेन में है, तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, ये जो प्लेन होगा परपेंडिकुलर होगा, या तो एक्स जेड हो सकता है, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने लिया हुआ है तो इन दैट केस एक्स जेड प्लेन हो सकता है, ठीक है, बट ये परपेंडिकुलर होगा, दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन होंगे। अगर इसको ऐसे लुक देना है तो ऐसे भी कंसीडर आप कर सकते हो कि किस तरीके से ये दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप इसको ड्रॉ कर लो तो थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा। तो ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस केस के लिए, ये हमारे सामने देखो, तो ये दो कार्बन जो है, ये दो कार्बन और ये दो कार्बन अलग अलग प्लेन में, अगर देखो तो ये अलग प्लेन है और ये डिफरेंट प्लेन है। अब क्वेश्चन रेज होता है क्या मॉलिक्यूल के अंदर कायरलिटी प्रेजेंट है, यानी कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, तो अगर मॉलिक्यूल को मैं इस तरीके से बाइसेक्ट करूं, जस्ट देखो ये प्लेन जो कि इसको अगर बाइसेक्ट करता है इस मॉलिक्यूल को, तो एक साइड में ये हाइड्रोजन आ जाएगा, एक साइड में ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये ऊपर वाले जो हाइड्रोजन है वो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, तो दिस मॉलिक्यूल पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा अगर ऐसे इसको बाइसेक्ट कर दिया जाए, इसको ऐसे बाइसेक्ट कर दो या ऐसे बाइसेक्ट कर दो, दोनों के केस में इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, मॉडिफिकेशन ये किया जाए कि इस ग्रुप को चेंज करके देखते हैं कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सिमेट्री एलिमेंट, क्या वो अगर चेंज करने पे, ग्रुप को चेंज करने पे कोई चेंजेस उसमें होगा कि नहीं होगा। इसमें तो समझ में आ गया, जब ये दोनों ग्रुप सेम थे, ये दोनों ग्रुप सेम थे, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जो है ये आप लिख सकते हो इस केस में, दिस कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर जाओ तो इसको हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं, ड्रॉ कैसे करना है आप देख लो एक बार, कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कार्बन 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 ये रहा, ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कोई भी आप प्लेन कंसीडर कर लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, कोई भी आप एक प्लेन कंसीडर कर दो, बोर्ड का प्लेन ही कंसीडर कर लो, जो बोर्ड का प्लेन है वही आप देख लो, तो बोर्ड के प्लेन से अगर इसको बाइसेक्ट करोगे आप तो क्या होगा इस केस में, एक हाइड्रोजन उस साइड में कट जाएगा, एक हाइड्रोजन बोर्ड के इस साइड में कट जाएगा, तो इक्वली तो डिवाइड हो जा रहा है, दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री।
अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं इस ग्रुप में एक किसी को चेंज करके देखते हैं, इसमें से एक कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं अनदर ग्रुप के साथ में, फिर विजुअलाइज करते हैं इस दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देखते हैं। अच्छा ये देख लो, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है क्या? नहीं, इसमें अब एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये वाला जो प्लेन होगा ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। देखो आप इसको अगर आप बाइसेक्ट करो लाइक दिस, इसको अगर बाइसेक्ट करो तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, ये जो येलो वाला कलर है येलो मार्बल्स, ये हाफ पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो दिस अगर एक में चेंजेस किया जाएगा अभी भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। देखना आप ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कार्बन कार्बन अभी मैंने क्या किया एक ग्रुप को चेंज कर दिया, मान लो इसको मैं क्लोरीन मान लेता हूँ और ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है ये हमारा हाइड्रोजन, या इसको ऐसे प्लेस कर दिया जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है किसी साइड में रखो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हो गया क्लोरीन और यहां पे हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस केस में देखो आप क्या देखने को मिलेगा कि इस केस में अगर मैं कंसीडर करूं कि जो बोर्ड का प्लेन है, जो बोर्ड का प्लेन है यही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, बोर्ड का प्लेन है यही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। समझ में आती है बात, क्यों होगा? देखो क्लोरीन हाफ ऑफ इस समय कट जाएगा ना, ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा इसको ये जो प्लेन है बोर्ड का प्लेन इसको हाफ हिस्से में काट देगा, इधर इस साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है नो डाउट, एक साइड में ये हाइड्रोजन चला जाएगा एक प्लेन के उस साइड में एक हाइड्रोजन चला जाएगा। तो दिस मॉलिक्यूल आल्सो कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है आइए देखते हैं इसको। ये देखिएगा दिस वन, मैंने दोनों ग्रुप पे डिफरेंट लगा दिया। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर देखो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या क्या मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? अगर इसको बाइसेक्ट करोगे, इस प्लेन से बाइसेक्ट करना चाहोगे तो ये तो बाइसेक्ट हो जाएगा इक्वल हाफ में, लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये इक्वल हाफ में नहीं, एक साइड में हाइड्रोजन चला जाएगा एक साइड में मान लो कि जो है फ्लोरीन या ब्रोमीन ग्रुप है तो ब्रोमीन चला जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये प्लेन चूज करो या ये प्लेन चूज करो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, यानी कि मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर दूं, थोड़ा इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए कि कार्बन 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 इस तरीके से हो गया एलिन मॉलिक्यूल। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं आपसे कि हाइड्रोजन यहां पे ग्रुप अटैच करा दो, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए तभी इसकी बात किया जा सकता है। यहां पे क्लोरीन में लगा देता हूं, एक हाइड्रोजन इधर लगा देता हूं या ब्रोमीन इधर लगा देता हूं, इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, दिस डज नॉट कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई और एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा क्या इसमें, कोई और एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकता है एक बार जस्ट चेक करो, नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ना अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। मैंने पहले भी बोला था कि आपको जनरली प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना होगा मॉलिक्यूल के केस में, दिस डज नॉट कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि इन दैट केस दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आती है, दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, कंडीशन आपको दिख गया होगा, मैंने सभी एग्जांपल देके बता दिए कि क्या होना चाहिए। अच्छा थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें और देखते हैं कि क्या होगा, अगर मैं एक कार्बन और बढ़ाने जा रहा हूं, एक डबल बॉन्ड यानी कंसीडर कर लो, अगर एक डबल बॉन्ड और बढ़ाया जाए तो फिर इन दैट केस क्या चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मॉलिक्यूल हमारे सामने क्या है, ये 1-2-3 पाई बॉन्ड के साथ, क्या मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है? जो प्लेन है इस प्लेन को आप अगर बाइसेक्ट करो, तो ये प्लेन कंसीडर करो, इस प्लेन से अगर बाइसेक्ट किए तो ये वाला जो क्लोरीन था या ब्रोमीन जो भी आप मान रहे हो, ब्रोमीन को इक्वल हिस्से में काट देगा, इस वाले को इक्वल हिस्से में काट देगा, इस एटम को इक्वल हिस्से में काट देगा, इस इक्वल है, या ऐसे विजुअलाइज करो ये जो प्लेन है ना, ऐसे अगर मैं बाइसेक्ट करूं, एक छुरा चलाया जाए इससे बाइसेक्ट किया जाए तो एक आधा हिस्सा प्लेन का उधर मॉलिक्यूल का हिस्सा चला जाएगा और एक हिस्सा इधर आ जाएगा। तो ये केस था कि अब अगर हम लोग को याद हो हम लोगों ने क्या बोला था कि जब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड था उस केस में तो हम लोगों ने जी आई नहीं शो कराया था, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा 1-2-3 तब इन दैट केस हम लोग जी आई ऑब्जर्व किए थे। इसमें आपको क्लियरली जी आई देखने को मिलेगा, ये इसका सिस फॉर्म हो गया और हाइड्रोजन को अगर मैं नीचे कर दूं, हाइड्रोजन को नीचे कर दिया जाए तो ये इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ये केस, ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके सिस फॉर्म में भी है ट्रांसफॉर्म में। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपका जो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के साथ एलिन होगा वो कायरलिटी नहीं शो करने जा रहे हैं, बिकॉज इस केस में सभी जो एटम है वो एक प्लेन में लाइज करेंगे, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो लिखा जाए इस चीज को यहां पर कंसिडर करना, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है कार्बन हो गया 3 पाई बॉन्ड, और यहां पे मैं ग्रुप अगर लगाता हूं हाइड्रोजन क्लोरीन,
और यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमीन, ये सेम प्लेन में लाइज करेंगे, ये आप सेम प्लेन में आ जाएंगे। अगर इसको आप कंसीडर करते हो कि ये जो तीन एटम है ये प्लेन एक्स वाई बना रहे, तो ये भी एक्स वाई प्लेन में ही लाइज करेगा। दिस टू प्लेन आर पैरेलल, एक प्लेन में लाइज करेगा। तो दिस मॉलिक्यूल कॉन्टेन, मॉलिक्यूल कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो रिजल्ट की बात कर ले, रिजल्ट की बात कर ले। जैसे आपने लिखा था कि एलीन विथ ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैन शो जीआई, बशर्ते कि ये ग्रुप डिफर करे। ठीक है, यहां पे भी जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि एलीन विथ रिजल्ट इंपॉर्टेंट, एलीन विथ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिस। देख सकते हो मॉलिक्यूल कायरल है, मॉलिक्यूल कायरल है बिकॉज इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंटेड। तो एलीन विथ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिस, इफ बोथ एटम आर डिफरेंट, बोथ एटम्स आर डिफरेंट, आर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट एट टर्मिनल कार्बन एटम, टर्मिनल कार्बन एटम पे जो एटम अटैच है वो डिफर करे, एट टर्मिनल कार्बन एटम ये दोनों डिफर करे। ठीक है, तो समझ में आ गया। और इवन ऑड नंबर के साथ क्या हुआ था, ऑड नंबर का भी जब हम लोगों ने केस कंसीडर किया था तो वहां पे डिस्कस किया था कि वो जीआई शो कर सकता है, कैन शो जी, और इवन नंबर वाला पाई बॉन्ड के साथ ये दिखा सकता है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिस। ठीक है, यही बस है कि ये रिजल्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एलीन विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैन शो जीआई, बोथ ग्रुप, बोथ एटम्स आर ग्रुप लिख दो डिफरेंट एट द टर्मिनल कार्बन एटम। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते चलते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे क्या बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिस। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिस देखना आप ध्यान से, आंसर कंडीशन याद है ना, ये कंडीशन रिक्वायर्ड होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिस अगर शो कराना है एलीन मॉलिक्यूल को। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिस, चलिए एक केस कंसीडर करते हैं। पूछा गया विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिस। देखो ध्यान करो इसको आप एक बार, क्या कंडीशन चाहिए होगा, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए और टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो ये केस आप कंसीडर करो, इसमें क्या है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो ये तो वैसे ही हट जाता है बिकॉज हम लोग को चाहिए क्या, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। 1 2 ये पॉसिबल हो सकता है लेकिन ये ग्रुप सेम हो गए, द ग्रुप सेम हो गए, तो इन दैट केस क्या बोला जा सकता है कि इट कैन नॉट शो जीआई ऑप्टिकल आइसोमेरिस, इट कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिस, इसको नहीं कंसीडर किया जा सकता, इसको भी नहीं कंसीडर कर सकते। इसमें देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड है, ऐसे ही हट जाएगा, 1 2 पाई बॉन्ड है और डिफरेंट ग्रुप भी है, डिफरेंट ग्रुप है टर्मिनल कार्बन के, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रोमीन है, ठीक है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था कि विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिस। आपसे क्वेश्चन में अगर पूछता कि विच कैन शो कन्फिगेशनल आइसोमेरिस, विच कैन शो कन्फिगेशनल आइसोमेरिस, तब इन दैट केस क्या कंसीडर करना होगा कि आपको कौन कौन सा केस जो ज्योमेट्रिकल दिखा सकता है। ज्योमेट्रिकल के लिए क्या कंडीशन होगा कि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो लेकिन साथ साथ में कि टर्मिनल कार्बन एटम पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये देख लो 1 2 3 4, तो ये आपको जीआई शो करा सकता था, ये जीआई दिखा सकता था और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिस दिखा सकता था। अगर कन्फिगेशनल आइसोमेरिस बोलता तो इन दैट केस ए भी करेक्ट होता और डी भी करेक्ट होता। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिस, क्लियरली हम लोग डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, इस चीजों को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सिस्टम हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिस इन स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो कंपाउंड क्या था, स्पायरो कंपाउंड याद है आपको, हम लोगों ने मेंशन किया था कि दो रिंग एक कॉमन कार्बन से जुड़ा रहे, एक कॉमन कार्बन से जुड़ा रहे, स्पायरो कंपाउंड में कंसीडर किया जाएगा। ज्योमेट्रिकल में भी इसका जिक्र होगा, ऑप्टिकल में भी जिक्र होगा, लेकिन अब देखो इस केस में सिंपल सा केस था, इस केस में अगर आप कंसीडर करो लाइक दिस, ठीक है, यहां पे कंसीडर करना कार्बन, ठीक, ये रहा हमारा स्पायरो कंपाउंड। अब अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो यहां पर पहले भी मैंने मेंशन किया था कि जो प्लेन होगा ये प्लेन अलग अलग होगा, जो रिंग का प्लेन हम लोग देखते हैं, जैसे ये अगर मैं कंसीडर करूं,
ये वाला अगर आप कंसीडर करोगे तो ये रिंग परपेंडिकुलर होगा बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, लाइक दिस। एक रिंग और ये दोनों रिंग आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है ना वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मैं इसको बोर्ड के प्लेन में ही दिखाया तो जो दूसरा ग्रुप होगा ना कुछ इस तरीके से होगा, हाइड्रोजन इधर गया होगा और एक हाइड्रोजन इधर गया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन रेज होता है कि क्या इस केस में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं। क्या चेक करना है आपको, आपको चेक करना है कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आप देखो जो बोर्ड का प्लेन है, बोर्ड के प्लेन से अगर इसको बाइसेक्ट करना चाहो तो क्लियरली इसको हाफ में बाइसेक्ट किया जा सकता है। यही मॉलिक्यूल है ना आपके सामने, दिस वन इज योर मॉलिक्यूल। अब समझो ये मॉलिक्यूल को अगर मैं बाइसेक्ट करता हूं बोर्ड के प्लेन से तो इक्वली में बाइसेक्ट नहीं किया जा सकता। देखो इसको अगर मैं बाइसेक्ट करूं तो हाफ पार्ट में तो बाइसेक्ट हो ही जाएगा, एक साइड में ये हाइड्रोजन जाएगा एक साइड में ये हाइड्रोजन, मतलब एक कंसीडर करो एक साइड में इसका हाफ पार्ट चला जाएगा एक साइड में इसका पार्ट, इस साइड में कंसीडर करो तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो देयर इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। या तो इसको कंसीडर कर लो या इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कर दो। मैंने जिस तरीके से बोला था एलिन का केस वैसे ही सेम यहाँ पे भी केस जनरेट होने वाला है, यहाँ पे भी केस जनरेट होने वाला है। यानी कि आप अगर आप इसको कंसीडर करो, इस चीज को कंसीडर करो, तो दिस मॉलिक्यूल कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो बोर्ड का प्लेन है यही इसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस मॉलिक्यूल। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए, मॉडिफिकेशन किया जाए इसमें, तो मैं करता हूं एक ग्रुप पे, एक कार्बन पे जो ग्रुप अटैच्ड है ना उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं कर देता हूं। जो एक कार्बन है, जैसे कि दो कार्बन के अलावा डिफरेंट ग्रुप तो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया जाए। क्या कर दे रहा हूं कि एक जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना उसको हटा दे रहा हूं क्लोरीन से, और ये हाइड्रोजन को ऐसे ही रहने देता हूं, और यहां पे भी जो हाइड्रोजन है इसको ऐसे ही एजिट छोड़ देते हैं। अब इस केस में देखिए क्या मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा कि नहीं। तो थोड़ा सा इसके विजुअलाइजेशन में लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं आपको चाहूंगा कि यहां विजुअलाइज करो, ठीक है। इस दिस मॉलिक्यूल कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री आर नॉट। देखो आप इसको अगर आप बाइसेक्ट करते हो तो ये कंपाउंड इक्वली दोनों हाफ में इसको बाइसेक्ट कर देगा। दिख रहा है आपको ये वाला जो हम लोग का ब्लू मार्बल है, ये दो इक्वल हाफ में बाइसेक्ट हो जाएगा। प्लेन आप कंसीडर करो, दिस प्लेन जो कि इक्वली इसको बाइसेक्ट करेगा, तो एक साइड हाइड्रोजन आ जाएगा, एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड ये ब्लू वाला मार्बल और एक साइड में हाइड्रोजन। यानी कि दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये प्लेन कैसा होगा, ये प्लेन बोर्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइक दिस। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस ऑल्सो कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ऑलमोस्ट जिस तरीके से हम लोगों ने एलिन में कहानी अपनी रखी वैसे यहाँ पे भी केस है। अब क्या करते हैं, क्या कर किया था हम लोगों ने प्रीवियस में, हम लोगों ने एक दोनों कार्बन पे ग्रुप को चेंज करके देखा था। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इस ग्रुप को चेंज कर देते हैं लाइक दिस। कंसिडर करना आप, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाए, इसको मॉडिफाइड करते हैं हम लोग। तो ये रहा हम लोग का क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। हाइड्रोजन मैंने बोला इसको किसी और ग्रुप से रिप्लेस कर देते, मान लो ब्रोमीन को। इज दिस मॉलिक्यूल कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री आर नॉट, इज दिस मॉलिक्यूल कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री आर नॉट। देखो ये है मॉलिक्यूल, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसका चाहिए होगा। तो इस केस में आप देखिए क्या मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या क्या मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप इसको ऐसे बाइसेक्ट करोगे तो ये वाला मार्बल इधर चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। ऐसे बाइसेक्ट करने का सोचे कि चलो इस तरीके से बाइसेक्ट किया जाए, तब भी कहानी इसके साथ बदल जाएगी कि एक साइड में ये जा रहा है, इस साइड में ये जा रहा है। तो दिस मॉलिक्यूल डज नॉट कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिस तरीके से आपने एलिन के केस में बोला था कि और इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पे बस कहानी बस ये चेंज हो जाएगी कि इवन नंबर ऑफ रिंग कॉन्टेनिंग डिफरेंट एटम एट दिस पोजिशन एट टर्मिनल पोजिशन, ऐसे लिख सकता हूँ, टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो लाइक दिस टू ग्रुप और दिस टू ग्रुप आर द डिफरेंट, इनका डिफरेंट होना जरूरी है तभी हम लोग बात कर सकते हैं इसके बारे में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज के बारे में। तो ये केस है दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, या ऐसा लिखा जा सकता है डज नॉट कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कॉन्टेन करता है, ठीक है, डज नॉट कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। यानी कि दैट केस, इन दैट केस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, एक और रिंग बढ़ा के देखेंगे जैसे हम लोगों ने एलिन के केस में किया था। चले बढ़ाते हैं हम लोग,
तब होगा क्या, इसमें वही कहानी थी ना, प्रॉब्लम यही था कि ये दोनों सेम प्लेन में नहीं लाइज करे। अगर ये एक्स वाई में है तो ये कहीं एक्स जेड में, ये एक्स वाई में है तो ये कहीं एक्स जेड में, एक्स वाई में है तो ये एक्स जेड में, तो ये कहानी यही जुड़ी हुई थी। लेकिन अगर याद हो आपको कि मैंने बोला था कि जब स्पायरो कंपाउंड के अंदर ऑड नंबर ऑफ रिंग आ जाए, यानी कि 3 आ जाए या 5 आ जाए, तभी इन दैट केस आप जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करा सकते हो। ठीक है, थोड़ा उस केस को भी कंसीडर करके देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, एक रिंग और बढ़ाने जा रहा हूं, एक रिंग और बनाने जा रहा हूं। तो देखो, आप अगर इसको बोर्ड के प्लेन में बनाते हो तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपके तरफ पॉइंटेड रहेगा। मैं इसको वेज से दिखा देता हूं, ठीक है, आपके तरफ पॉइंट आउट करेगा। नेक्स्ट जो रिंग होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब जहां तक रही ग्रुप की बात, तो ग्रुप को देखो, ये बोर्ड का प्लेन है तो ये इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये मानो कि कोई ग्रुप अटैच करा देता हूं, जैसे यहां पे हम लोगों ने अटैच कराया क्लोरीन में ले लेता हूं, और यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां पे ब्रोमीन। देख लेना, ये जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आ रहे हैं ना, इसके मिरर इमेज को भी कंसीडर किया जा सकता है। मिरर इमेज भी आप बना सकते हो, मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल होगा, इसका मिरर इमेज इस पे नॉन सुपरइम्पोजेबल होगा, एलिन के केस में भी और यहां पे भी, क्योंकि मॉलिक्यूल कायरल है। और मैंने बोला था कि ऑप्टिकली एक्टिव होना, कायरल होना, इसके मिरर इमेज का इसके ऊपर नॉन सुपरइम्पोजेबल हो जाना, ये सभी कहानी सेम चीज को बताता है, सेम चीज को बताता है। ठीक है, यहां पे देख लो, ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सेम प्लेन में आ गए, ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सेम प्लेन में आ गए। थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या चेंजेज आएगा। ठीक है, ये देखो, क्लियरली देखो, दिस मॉलिक्यूल हैव ऑड नंबर ऑफ रिंग। अब देखो आप, क्या दिस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। देखो आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसको बाइसेक्ट करूं लाइक दिस, इसको बाइसेक्ट किया जाए लाइक दिस, तो ये वाला आपका मार्बल वायलेट और ये वाला ब्लू मार्बल्स इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। दिस मॉलिक्यूल कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में नहीं सोचा जा सकता है विथ ऑड नंबर ऑफ पाई, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोल दो या ऑड नंबर ऑफ रिंग बोल दो, कहानी दोनों के केस में सेम। आइए लिखते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि दिस कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो बोर्ड का प्लेन है वही आप ड्रॉ कर दो। ये बोर्ड का प्लेन हमारा हो गया इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां भी आप रिजल्ट वैसे ही मेंशन कर दो, इसमें भी रिजल्ट आप वैसे ही मेंशन कर दो। स्पायरो कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड्स विद इवन नंबर ऑफ रिंग, स्पायरो कंपाउंड विद इवन नंबर ऑफ रिंग, इवन नंबर ऑफ रिंग कैन शो, कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज, कैन सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ठीक है, कैन सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज इफ, ठीक है, इफ, बस इसको शॉर्ट फॉर्म ही रखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ठीक है, इफ ग्रुप अटैच, अटैच एट इच टर्मिनल कार्बन, ग्रुप्स अटैच एट इच टर्मिनल कार्बन आर डिफरेंट। दो कंडीशन चाहिए यहां पे भी, एक तो इवन नंबर ऑफ रिंग हो लाइक दिस 1 2 1 2, और दूसरा कंडीशन क्या चाहिए होगा, इसके साथ जो ग्रुप अटैच हो इवन नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट हो, इवन नंबर ऑफ रिंग, ठीक है, कैन सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज इफ ग्रुप अटैच एट ईच टर्मिनल कार्बन आर डिफरेंट लाइक दिस क्लोरीन हाइड्रोजन ब्रोमीन हाइड्रोजन, ये कंडीशन चाहिए होगा तभी हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। दिस ये कंडीशन आपको जैसे एलिन के केस में कंसीडर किया वैसे ही आप इसमें कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, एक और आता है इन दोनों के मिक्स से जो बनता है, मीनिंग डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो रिंग प्रेजेंट हो, तो इसको बोलते हैं साइक्लो एल्काइलिडीन। ठीक है, तो यहां भी मेंशन कर सकते हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज़, वो भी देख ही लेते हैं जब उसकी भी बात हुई तो वहां पे भी देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज़ इन साइक्लो एल्काइलिडीन, साइक्लो एल्काइलिडीन, ये क्या है, मतलब जिसके अंदर रिंग भी प्रेजेंट हो और डबल बॉन्ड आपस में ज्वाइन किया, आपस में ज्वाइन किया गया हो डबल बॉन्ड का और रिंग का, रिंग का इस तरीके से केस है, सिंपल सा केस है, आप समझ नहीं, ठीक है, लाइक दिस,
क्या इस केस में जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है? वही सेम कहानी। देखो आप, मैंने बोला कि जो रिंग है ना उसको पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करो, तो अगर पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करोगे तो इन दैट केस ये क्या बोला जाएगा कि दिस कॉन्टेन इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो सेकेंड क्राइटेरिया इसमें आना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे आपने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तब इन दैट केस आप देखो कि क्या मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। देखा जाए, थोड़ा सा ऑब्जर्व इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, रिंग का और डबल बॉन्ड का। देखो आप, इस दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसको आप बाइसेक्ट करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। बाइसेक्ट करोगे किया जा सकता है, बट ये इक्वल हाफ में नहीं आएगा, ये इक्वल हाफ नहीं बनेगा। आप देखो, अगर इससे बाइसेक्ट करोगे तो हाइड्रोजन इधर, ये वाला आपका मार्बल इस साइड में अलग। ऐसे बाइसेक्ट करने की सोचे तो एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर, ये तो बाइसेक्ट हो जाएगा, इक्वल हाफ में बाइसेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे इस दोनों का एक हाफ तो दूसरे हाफ का मिरर इमेज होगा, तभी तो कंसीडर किया जा सकता है, दैट इज ऑप्टिकली इनेक्ट। अगर ऐसे ही अगर सिस्टम आप बनाते जाओगे तो इन दैट केस अगर इवन नंबर रहेगा तब तो आप जीआई ऑप्टिकल आइसोमेरिज़ शो करा सकते हो, बट अगर ऑड नंबर आप रिंग प्लस पाई बॉन्ड, दोनों केस कंसीडर कर लो, रिंग प्लस पाई बॉन्ड अगर ऑड नंबर आता है तो इन दैट केस आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज़ शो करा सकते हो। तो इस केस में वही कहानी है, वही सेम रिजल्ट है कि साइक्लोएल्काइलिडीन, ठीक है, साइक्लोएल्काइलिडीन कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज़ if it contain even number of pi bond and ring, तब तो इस केस में आप GI ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड रिंग, ठीक है, एंड ग्रुप अटैच एस टर्मिनल कार्बन, ग्रुप अटैच एट इच टर्मिनल कार्बन मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये उसका एमालगेशन है, मैंने पहले ही बोला स्पायरो कंपाउंड का और रिंग और डबल बॉन्ड का एमालगेशन है साइक्लोएल्काइलिडीन। तो इसको आपको डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो या दोनों को रिंग की तरह ही ट्रीट करो, कहानी वही है कि अटैच एट द इच टर्मिनल कार्बन, एट इच टर्मिनल कार्बन आर डिफरेंट, इसका होना जरूरी है, अदरवाइज फिर आप जीआई नहीं ऑब्जर्व कर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं ऑब्जर्व कर सकते। जीआई भले दिखा सकते हो, जैसे मान लो ये मैं सिस्टम कंसीडर करूँ लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे केस क्या था, यहाँ पे वही केस जनरेट हो गया था कि ये हाइड्रोजन बैक द प्लेन और ये क्लोरीन अबव द प्लेन, तो इन दोनों का जो प्लेन है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे केस क्या होगा, इन दोनों का प्लेन सेम रहेगा, जैसे हाइड्रोजन इधर क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर और ब्रोमीन इधर, ऐसा कुछ केस होगा। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा जा सकता है, इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने ये केस है, ठीक है, इस केस में क्या है, देखो आप क्लियरली देखो कि ये दो एटम और ये दो एटम सेम प्लेन में लाइज करें, यानी कि चारों चारों एट थे में, तो जीआई ऑब्जर्व कर सकते हो इन दोनों केस में, जो है इवन अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग या पाई बॉन्ड दोनों का सम करने पे जो ऑड आ रहा है तब आप उस केस में जीआई ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं ऑब्जर्व कर सकते। देखो आप क्लियरली देखो कि ये तो सेम प्लेन में आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इस मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दो, ये वाला आगे वाला जो ब्लू मार्बल है ये दो पार्ट में हो जाएगा और ये वाला जो वायलेट मार्बल है ये दो पार्ट में जो है डिवाइड हो जाएगा इक्वल हाफ। तो दिस कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज बट कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख लो, कुछ और सिस्टम हम लोग कंसिडर करेंगे, ये पहले आप मेंशन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम हम लोग कंसिडर करेंगे दैट ऑप्टिकल आइसोमेरिज इन अर्थो सब्स्टिट्यूटेड पॉलीफिनाइल। इस केस में भी हम लोगों ने कंसीडर किया था जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज की बात हुई थी, यहाँ पे भी डिट्टो कहानी सेम है। इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने एलिन के केस में देखा, स्पायरो कंपाउंड में देखा और साइक्लो एल्काइलिडीन में देखा, यहाँ पे भी कुछ बदलने वाला नहीं है, सेम कहानी है। देखिए आप क्या बोला जाता है इस केस में पॉलीफिनाइल में, ये रिंग हुआ, देखिए होना तो चाहिए इसको एक दूसरे के प्लेन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्लेनार मॉलिक्यूल है तो एक प्लेन में होने चाहिए थे, बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है जब हम लोग बल्कियर ग्रुप यहाँ पे अटैच करा देते हैं, मान लीजिए ए बी यहाँ पे कुछ, ठीक है, और यहाँ पे आपने अटैच करा दिया बल्कियर ग्रुप ए और बी, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है फिर? इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि दोनों रिंग एक प्लेन में नहीं रह जाते,
दोनों रिंग एक प्लेन में नहीं रह पाएंगे। जैसे ये देखो आप, ये कुछ इस तरीके से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो ये बैक द प्लेन हो जाएगा और ये आपके तरफ पॉइंट आउट करेगा। इतनी बात समझ में आती है? क्यों? ड्यू टू रिपल्स, ड्यू टू रिपल्स। अब समझ रहे इस बात को, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? अगर ये ग्रुप सेम हो जाता, कोई एक ग्रुप सेम हो जाता, फिर तो इन दैट केस प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। फिर ये नहीं, मान लो यहां पे मैं ए लगा दूं, ठीक, ये कंसीडर कर लूं, तो जो बोर्ड का प्लेन है इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। बात समझ में आ रहा है? एक साइड में ए चला जाएगा और एक साइड में हमारे तरफ में ए आ जाएगा, और ये वाला जो ए बी है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर भी कंडीशन सेम है, बस आप क्या जो है सिस्टम चेंज हुआ है, कहानी बिल्कुल स्टोरी अभी भी वैसे ही है। Due to repulsion, these two rings are in the out of the plane. Due to repulsion, both ring are perpendicular to each other. ऐसे मार्क कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। होगा क्या इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो है मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो, बिकॉज देयर विल बी, अगर रिपल्सन है तो देयर विल बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर इन दैट केस ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, दिस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप कंसीडर करना कि क्या हर केस में दिखाएगा, पॉलीफिनाइल की हर केस में दिखाएगा। जैसे अगर मैं एक और सिस्टम कंसीडर करूं, ठीक है, एक और सिस्टम कंसीडर किया जाए लाइक दिस। आपने वहां पर क्या बोला था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, इसके पास ऑड नंबर ऑफ, अगर रिंग है ऑड नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप है, जैसे लाइक ए बी, यहां पर कोई ग्रुप रखो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी ए बी और यहाँ पे ए बी, यहाँ पे आपने क्या देखा था, जी आई ऑब्जर्व किया था, ठीक। ये कुछ ऐसे था कि ये वाला बीच वाला रिंग इन दोनों रिंग के प्लेन से बाहर है, ठीक है। इस केस में अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो तो नहीं प्रेजेंट है, इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जी आई ऑब्जर्व किया गया था। ये जो दो एटम है और ये दो एटम है, ये सेम प्लेन में लाइज करेंगे। तो यहां पे भी कहानी बिल्कुल डिट्टो सेम बनती है कि पॉलीफिनाइल कैंसो क्या शो कर सकता है, कैंसो ऑप्टिकल आइसोमेरिज इफ इट कॉन्टेन इवन नंबर ऑफ रिंग। यहाँ पे ध्यान रखें कि ये अर्थो सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, ठीक है, इसको मेंशन कर दूं मैं, अर्थो सब्स्टिट्यूटेड, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अर्थो सब्स्टिट्यूटेड नहीं रहेगा तो ये तो फ्रीली रोटेट कर सकता है ना, अर्थो सब्स्टिट्यूटेड की प्रेजेंस की वजह से इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से एक डिफरेंट कॉन्फिगेशन आ सकता है जो आपस में इंटर कन्वर्टिबल नहीं होंगे। तो अर्थो सब्स्टिट्यूटेड पॉलीफिनाइल कैंसो ऑप्टिकल आइसोमेरिज इफ इट कॉन्टेन इवन नंबर ऑफ रिंग एंड डिफरेंट, ये भी कंडीशन रिक्वायर्ड है, दिस टू ग्रुप का डिफरेंट होना जरूरी है, एंड डिफरेंट क्या मैं लिख दू, अर्थो सब्स्टिट्यूएंट एट ईच फिनाइल रिंग, इन ग्रुप का डिफरेंट होना जरूरी है एट ईच फिनाइल रिंग। अगर ग्रुप डिफरेंट नहीं हुआ तो इन दैट केस ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं शो कर सकता, ये जीआई दिखा भले सकता है, जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसके लिए भी इन दोनों ग्रुप का डिफरेंट होना जरूरी था। यहां पे भी बस कंडीशन ये है कि इवन नंबर के साथ में, इवन ऑड का खेल अभी भी चल रहा है, इवन के साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज और ऑड के साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, बस बशर्ते कि ये कंडीशन रिक्वायर्ड हो, ये कंडीशन दोनों फुलफिल करे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज में भी इसमें भी। जैसे अगर नहीं फुलफिल करेगा तो इन दैट केस इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। जैसे अगर मान लो आपने ए लिया, इसको बी कंसीडर किया, और यहां पे आपने ग्रुप कुछ ऐसे ले लिया, समझना इस बात को। मैं क्या करता हूं, यहां पे जो ग्रुप अटैच्ड है ना, ये तो हम लोग के परपेंडिकुलर प्लेन में, दो रिंग आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया आपने, तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, आपने लिया इसको ए, इसको लिया बी, ए ले लिया, ठीक है, बी रहता तो फिर तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज हो गया। तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा कि जो बोर्ड का प्लेन है ना, ये इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये बोर्ड का प्लेन, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है।
तो ये भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इन दैट केस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम आप मेंशन करना, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमरीज इन नॉन कार्बन कायरल सेंट, नॉन कार्बन कायरल सेंट, यानी कि ऐसे सेंटर जो कार्बन नहीं है बट कायरल टी शो कर रहे हैं, यानी कि फोर डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। इस केस में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरीज कैसे देखें, ठीक है। तो नॉट ओनली कार्बन, उसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो कि कायरलिटी शो कर सकते हैं, बस उसके लिए क्या होना चाहिए, चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए, तभी उसको कायरल सेंटर बोला जा सकता है। जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल है, फास्फोरस का केस ले लो, तो अगर हमें इसको जोड़ दूं हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन इस तरीके से, तो आप देख सकते हो ये जो फास्फोरस है चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, तो ये भी कायरल सेंटर होगा। यानी कि इसका भी मिरर इमेज के बारे में सोचा जा सकता है, इसका भी जो मिरर इमेज होगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, डायरेक्टली बोलना मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वैसे ही सल्फर के केस में कंसीडर कर सकते हो कि सल्फर इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ा हो इसके साथ, क्लोरीन जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो देख सकते हो यहाँ पे भी चार डिफरेंट ग्रुप है, इस लोन पेयर को भी एक ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा और ये भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। सिलिकॉन कार्बन का ही नेक्स्ट फैमिली मेंबर है, जिसके अंदर अगर ग्रुप आप डिफर कर दो जैसे क्लोरीन OH और यहाँ पे ब्रोमीन, तो आप इस केस में भी क्या देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ फोर डिफरेंट ग्रुप ये भी कायरल सेंटर हो सकता है, ठीक है। अब आता है नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन के केस में ये जो अगर मान लो चार ग्रुप अटैच करा दिया जाए, तो क्या ये मॉलिक्यूल नो डाउट कायरल सेंटर तो है, कायरल सेंटर के लिए हम लोगों ने डिफिनीशन क्या रखा है, फोर डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, तो एक हाइड्रोजन हो गया, CH3 हो गया, इथाइल हो गया, लोन पेयर, कायरल सेंटर तो है, बट क्या इस केस में ऑप्टिकल आइसोमरीज ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो थोड़ा सा डिस्कशन का पार्ट बनता है। नो डाउट ये इस केस में क्या है कि हैव कायरल सेंटर, हैव कायरल सेंटर, और एक ही चूंकि कायरल सेंटर है तो इन दैट केस हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कैन ऑब्जर्व ऑप्टिकल आइसोमरीज, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, ये मॉलिक्यूल कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं, इस फिनोमेना को समझते हैं। तो यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो कि इट हैव कायरल सेंटर, इट हैव कायरल सेंटर, उस रीजन को हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इट हैव कायरल सेंटर बट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरीज, बट नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरीज। कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है, चार डिफरेंट ग्रुप चाहिए उसके लिए, बट उसके बावजूद भी ये ऑप्टिकल सिंगल कायरल सेंटर है, वही हो गई ना, प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर डज नॉट गारंटी अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल। देख सकते हो मैंने अभी तक केस क्या बोला कि सिंगल अगर कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन था उस केस में, यहाँ बस एक केस ऐसा आ जाता है कि नाइट्रोजन के केस में कि ऑल दो कायरल सेंटर है, उसके बावजूद भी ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, कायरल सेंटर होने के बावजूद भी। हाँ, इस केस में देखो आप क्या होगा, बेसिक फिनोमेना जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इस केस में, वो बोला जाता है नाइट्रोजन इन्वर्जन, या इसको लिखा जाता है एन इन्वर्जन। क्या होगा इस केस में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना आकर होता है फॉर द केस ऑफ अमाइन, ठीक है, फॉर अमाइन के लिए ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, अमाइन के केस में ये ऑब्जर्वेशन आता है नाइट्रोजन इन्वर्जन। तो करता क्या है नाइट्रोजन के केस में, हम लोग को पता है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर चार डिफरेंट ग्रुप अटैच करा दिया जाए मिथाइल इथाइल, तब इन दैट केस क्या ऐसा फिनोमिना करोगा सच दैट कि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है। तो क्या देखने को मिलता है कि ये नाइट्रोजन, ये मतलब अमाइन, ये वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट होता रहता है। जैसे अगर मैं आप कंसिडर करो इस चीज को, कैसे मैं इसको दिखा दूं, जैसे ये समझ लो कि हाइड्रोजन बैक द प्लेट, कायरल सेंटर ले ही लेते हैं कि हाँ कायरल सेंटर प्रेजेंट है, और ये अबव द प्लेट, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करो, इसकी बात किया जाए तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, दो एक्सचेंज करना पड़ेगा इस केस में, दो एक्सचेंज करके देख लेना कि हाइड्रोजन जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है लोन पेयर यहाँ पे आ जाए। तो इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, अगर मैं हाइड्रोजन को या चाहूँ तो इसको शिफ्ट कर दूँ, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूँ, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस केस में इथाइल यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है और आपका CH3 ग्रुप ऐसे है। तो इसको अगर किया जाए तो 1 2 3 इसको जाएगा, तो 1 2 3 ये जा रहा है, एस बन रहा है, और चूंकि जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वर्टिकल पोजीशन पे है, तो इन दैट केस ये एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लोन पेयर है।
तो देखो अब होगा क्या, इस फिनोमेना को समझना कि अगर मैं मिरर इमेज इसका कंसीडर करूं, वो भी ले ही लेते हैं, मिरर इमेज कंसीडर किया जाए, तो ये कुछ होगा, नाइट्रोजन लोन पेयर ऐसे, ठीक है, लोन पेयर लाइक दिस, यहां पे आपका आ गया इथाइल और यहां पे हो गया आपका। अब मैंने इक्विलिब्रियम का साइन क्यों लगाया इस केस में, व्हाई देयर इज इक्विलिब्रियम साइन, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होता है, ये एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, इंटर कन्वर्टिबल। कॉन्फिगरेशनल में ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कॉन्फिगरेशनल में एक आइसोमर्स दूसरे फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक एनांसियोमर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा एक्सेप्ट दिस केस। और यहाँ पे इसी इस फिनोमेना जो अकर होता है वो नाइट्रोजन इन्वर्जन होता है, अभी आते हैं उस बात को करते हैं कि नाइट्रोजन इन्वर्जन क्या होगा, बट यहाँ पे समझना इसको अगर मैं कंसीडर करूँ ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल यानी कि एक अमाइन फॉर्म अनदर अमाइन फॉर्म में जा सकता है। इसको देख लेते हैं हम लोग, जैसे कॉन्फिगरेशन बनाया जाए तो कैसे हो जाएगा, लोन पेयर यहाँ पे आ गया इथाइल, हाइड्रोजन को इधर रखा जाए, मिथाइल इधर आ जाएगा लाइक दिस। अब इसको आप कंसीडर करोगे तो 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। मैं क्या बोला हूं कि आपस में इंटर कन्वर्टिबल होंगे, कैसे इंटर कन्वर्टिबल होंगे इस चीज को समझा जाए, इसी को बोला जाता है नाइट्रोजन इन्वर्जन, ठीक है। ये क्या होता है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जाता है पहले प्लेनार फॉर्म में, ऐसे कुछ जाएगा हाइड्रोजन CH3, मैं जैसे है मॉलिक्यूल वैसे ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन निकालने में आसानी, ठीक है। ये इथाइल, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन है यस। अब होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है अपने प्लेनार फॉर्म में, और उसके लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए कि ये वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, उसके लिए अराउंड 25 किलो जूल एनर्जी चाहिए होगा। हम लोग को पता है कि कन्फॉर्मेशन में कितना बैरियर था, 19 to 20 किलो जूल था, यही एनर्जी बैरियर आ रहा था, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ज्यादा 25 किलो जूल। लेकिन इन दैट केस क्या होगा कि देखो नाइट्रोजन अब कुछ एनर्जी गेन करके ये प्लेनार फॉर्म में जाना चाहेगा, ठीक है। बहुत लोग के दिमाग में आता है कि प्लेनार फॉर्म में क्यों जाएगा, थोड़ा सा ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रखता है कंपेयर टू टेट्राहेड्रल से, ये थोड़ा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रखता है, इस वजह से अगर इसको थोड़ा सा हवा पानी मिल गया, थोड़ा सा एनर्जी मिल गई, तो इन दैट केस ये प्लेनार फॉर्म में इस तरीके से जा सकता है। अब ये प्लेनार फॉर्म में टिकेगा नहीं, राइट, जब तक पैसा है तब तक ये हीरो बनता रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो आपको ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही एनर्जी लूज करेगा ये अनदर फॉर्म में जा सकता है। अब जब अनदर फॉर्म में जाएगा तब थोड़ी सी कहानी इसकी बदली रहेगी। देखो आप कहानी कैसे बदली होगी, तो ये लोन पेयर अब इस डायरेक्शन में चला गया, ये इथाइल हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3, समझ में आता है बात, यहाँ पे CH3। अब अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो ना, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो अगर कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए तो इथाइल इधर, लोन पेयर इधर, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3। देखो आप क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, 1 2 3 ये आ रहा है, 1 2 3 देखो आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, लोन पेयर तो वही है। तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना कि जो कॉन्फ़िगरेशन था इसका एस से आर हो गया, यही देखने को मिलता है जब सोल्यूशन लिया जाता है ना, सोल्यूशन जो है अमाइंस का जो कि कायरल हो, कायरल अमाइन हो, तो इन दैट केस क्या देखने को मिलता है कि इसमें ए भी एग्जिस्ट करता है, ए भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसके लिए जो एनर्जी बैरियर होगा, एनर्जी बैरियर होगा, अगर ये वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाता है, वन अमाइन फॉर्म से अनदर अमाइन फॉर्म में, तो जो एनर्जी इसको चाहिए होगा ओनली 25 किलो जूल एनर्जी चाहिए होगी, समझ सकते हो आप, 25 किलो जूल बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है। जब ये इस फॉर्म से ए से बी में जाना चाह रहे, मान लो एक कन्वर्जन से, मान लो एस से आर में जाना चाह रहे, तो क्या देखने को मिलता है कि अगर इसको आप सेपरेट करना चाहो, रिजोल्यूशन कराना चाहो, तो ये रिजोल्यूट नहीं होंगे, यानी कि नॉन रिजोल्यूएबल भी होंगे, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, नॉन रिजोल्यूएबल होंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे, तो इस वजह से इसको लिखा जाता है नॉन रिजोल्यूएबल, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, कि मॉलिक्यूल थोड़ा सा प्लेनारिटी गेन किया बाय गेनिंग द एनर्जी, और वंस अगेन जब ये स्टेट में आया तो इन्वर्टेड फॉर्म में आया, जब इन्वर्जन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन इसका बदल जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट रिमेन सेम, कॉन्फ़िगरेशन विल बी डिफरेंट इन दिस केस, कॉन्फ़िगरेशन विल बी डिफरेंट। तो ये कहानी होती है नाइट्रोजन इन्वर्जन में, ड्यू टू नाइट्रोजन इन्वर्जन मॉलिक्यूल, यहां पे लिखा जा सकता है कि ड्यू टू दिस नाइट्रोजन इन्वर्जन, नाइट्रोजन इन्वर्जन, ठीक है,
मॉलिक्यूल विल फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल विल फॉर्म रैस्मिक मिक्सचर। एंड आपको पता है कि रैस्मिक मिक्सचर में क्या होता है, एंड इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, बात ये समझ में आती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जब नाइट्रोजन का इस तरीके का केस होगा। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं एलिफैटिक अमीन्स के केस में। अभी और भी केसेस कंसीडर करेंगे। बहुत लोग के दिमाग में आ सकता है कि सर क्या PH3 के केस में यही देखा जा सकता है, मान लो ये मैं रिप्लेस कर लूं ये केस फास्फोरस से, ऐसा कुछ केस कंसीडर करना हाइड्रोजन हो जाए, क्या इस केस में ये ऑब्जर्व किया जा सकता है? मान लो फास्फोरस रहे यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C2H है, क्या इस केस में ऐसा फिनोमिना देखने को मिलेगा? नहीं, क्योंकि इसके लिए जो एनर्जी बैरियर होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना सेंट्रल एटम का, जो इन्वर्जन है वो स्टॉप कर लिया जाएगा। यहां पे जो बैरियर होगा, आप लिख भी लेना इसको, जो एनर्जी बैरियर होगा ये अराउंड आता है 140 किलो जूल के आसपास में। तो समझ सकते हो कि इसको इन्वर्ट होने के लिए, इसका इन्वर्जन होने के लिए इसको इतना एनर्जी चाहिए होगा, तब जाके ये वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में इन्वर्ट होगा। तो इस इतना एनर्जी तो बहुत ज्यादा है इसके लिए एनर्जी। इस केस में क्या था, 25 किलो जूल था जब हम लोगों ने अमाइन दिया था। ठीक है, इस इन्वर्जन को रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, जो इन्वर्जन दिखा रहा है मॉलिक्यूल, इस इन्वर्जन को कुछ एक्सटेंड तक रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। कैसे, देखो आप पॉइंट में नोट्स में लिख सकते हो इसको। ठीक है, नॉट ऑल नाइट्रोजन, सो दिस बिहेवियर, ऐसे कौन कौन से होंगे, ऐसे सभी नाइट्रोजन नहीं है कि इसी टाइप के बिहेवियर दिखाएंगे। अगर मान लो ये क्या हो जाए, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट हो जाए, तब इन दैट केस क्या होगा, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट में चार डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जाए, मीन्स इस तरीके से नाइट्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा कुछ केस हो जाए, तब इन दैट केस क्या देखोगे, ये पॉजिटिव रह गई, तब इन दैट केस ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि जो इसका मिरर इमेज होगा वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल हो, नॉट इंटर कन्वर्टिबल, बिकॉज अब तो ये कायरल हो गया ना, चार डिफरेंट ग्रुप है, तो लोन पेयर रहता तब तो इसमें इन्वर्जन के बारे में सोचा जा सकता था। यहां पे लिख सकते हो इंटर कन्वर्जन, इस जैसे इस केस में आपने लिखा इंटर कन्वर्जन इज नॉट अकरिंग, इस केस में भी यही होगा, इंटर कन्वर्जन विल नॉट अकर। अगर नहीं अकर होगा तो इन दैट केस ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा। या ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो रहा है, बिकॉज ये वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। तो 50% इसका इस सॉल्यूशन के अंदर ये होगा, 50% सॉल्यूशन का यस परसेंट होगा, 50% ये होगा, 50% ये होगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इसी वजह से हो रहा है। सेकेंड एक और इंपॉर्टेंट केस देखते हैं जहां पे कि यहाँ पे कि ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है, यानी कि नाइट्रोजन इन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, इफ नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ 3 or 4 member ring, ठीक है, 3 or 4 member ring, ठीक, इसका पार्ट हो, साथ में कायरल होना चाहिए ना, कायरल सेंटर तो होना चाहिए, एंड ब्रिज है, ठीक है, इस केस में हम लोग इन्वर्जन के बारे में नहीं सोच सकते। जैसे समझना कौन सा केस में बोल रहा हूँ, कि नाइट्रोजन आप ऐसे ले लो, नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन एक CH3, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया, और ये आपका ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग होगा, होगा कि नहीं होगा? अब इस केस में क्या है, देखो आप कि ऑल दो चार डिफरेंट ग्रुप है, लोन पेयर है, लेकिन ऐसा फिनोमिना इन्वर्जन ये नहीं दिखाएगा, ऐसा इन्वर्जन यहां भी, कि ये भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फोर मेंबर की बात करें तो फोर मेंबर में भी लगभग यही कहानी है, यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे मिथाइल, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, फाइव मेंबर के बाद कुछ एक्सटेंड तक इन्वर्जन देखा जा सकता है, सिक्स मेंबर में भी देखा जा सकता है, वहां भी इन्वर्जन देखा जा सकता है। एक और केस में बोला हूं कि जब ये ब्रिज हेड कार्बन का पार्ट हो जाए, लाइक दिस, ये ब्रिज हेड कार्बन का पार्ट हो जाए, तब हम फिर भी हम लोग फिर इन दैट केस ऑल्सो इन्वर्जन नहीं देखा जा सकता, लाइक दिस,
इस नाइट्रोजन के केस में आप कंसीडर करो कि इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास कॉन्स्टेंट भी बढ़ गया ना, या इन्वर्जन नहीं हो सकता है, तो ये दैट केस ये भी ऑप्टिकली एक्टिव ही कहलाएगा। तो समझ में आप बात आ रहा है, नाइट्रोजन इन्वर्जन समझ में आ रहा है। पीएस थ्री नाइट्रोजन इन्वर्जन, अगर मान लो आप फॉस्फोरस का कंपाउंड ले लो, ठीक है, फॉस्फोरस का कंपाउंड ले लो ऑन द प्लेस ऑफ अमाइन, तो इन दैट केस नाइट्रोजन इन्वर्जन या फॉस्फोरस इन्वर्जन नहीं देखने को, ऐसा कोई भी फॉस्फोरस इन्वर्जन टर्म्स नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ कभी कभी केस पूछ देता है, जैसे अगर कायरल सेंटर पूछेगा तब तो आप मेंशन कर दो, लेकिन ये कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज ये रैसिंग मिक्सर फॉर्म कर रहा है, ले रहा है, और ये फ्रीक्वेंटली अराउंड 10^5 सेकेंड के अंदर या 10^5 टाइम्स 1 सेकेंड के अंदर ये वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कन्वर्ट होगा। ड्राइविंग फोर्स, बहुत लोग पूछते हैं कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो मॉलिक्यूल थोड़ा एनर्जी गेन करने के बाद ये प्लेनारिटी पे आ जाएगा, तो प्लेनारिटी कहीं ना कहीं इसको लीड्स करता है इसकी स्टेबिलिटी की तरफ, और जैसे ये स्टेबल होगा इन दैट केस ये इस फॉर्म में फिर से दोबारा लौट कर आएगा, तो इन्वर्टेड फॉर्म में आएगा, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। आगे रिएक्शन में भी आएगा, इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को लिख लो, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अमाइन से भी आएंगे तो डिस्कशन में रखेंगे, तो ये पहले आप मेंशन कर दो इस चीज को, ठीक है। हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरीज का जो सेक्शन था, ये वाला केस हम लोग जो कि मेंशन कर रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम कायरल कार्बन एटम ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे ऑप्टिकल आइसोमरीज ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो कि हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, उस केस में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एस नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, उसमें मेसो कंपाउंड कितने बन के आएंगे, एनांसियोमर कितने बन के आएंगे, डायस्टियोमर कितने बन के आएंगे, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरीज या बोल दो आप स्टीरियो आइसोमरीज सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के। प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे गए, तो उस पर हम लोग सफिशियंट प्रैक्टिस रखेंगे, उसी को लेकर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।